डॉक्टर, मेरे बच्चे को इस तरह से खांसी 5-7 दिन से हो रही है। ये खांसी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है श्वास रोग का, जो बहुत तेजी से फैलने वाला संक्रमण है। मैं डॉक्टर विपिन जैन, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। दोस्तों, आज हम इस खांसी के बारे में बात करेंगे जो कि कूकर खांसी या वूपिंग कफ कहलाती है। काली खांसी, कूकर खांसी, वूपिंग कॉफ, ये एक कीटाणु से फैलने वाली बीमारी है जो हमारे श्वसन रोग को इन्वॉल्व करती है। बेसिकली हम माने साधारणतया ये बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, बड़ों में ये बहुत कम होती है। तो काली खांसी एक बहुत ज़्यादा एक बाउट्स जिसको हम कहते हैं, एक खांसी का दौरा पड़ता है इसके अंदर। दौरा जब पड़ता है तो खांसी की दौरे की वजह से बच्चा नीला पड़ जाता है, उसमें सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। तो ये कूकर खांसी एक जो है खांसी का दौरा होता है और बैक्टीरियल या कीटाणु की वजह से होती है। काली खांसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम बोर्डिटेला पर्टोसिस कहते हैं। इस बीमारी को पर्टोसिस नाम दिया गया है क्योंकि ये जिस बैक्टीरिया से होती है, और इस खांसी के अंदर जो है वो बाउट्स जो है एक दौरे देखते हैं, इसको हम जो है खांसी का दौरा भी कहते हैं। जैसे मिर्गी का दौरा होता है वैसे ही इसके अंदर हम इसको खांसी का दौरा भी कहते हैं। और ये एपिसोड्स मतलब थोड़ी थोड़ी देर में खांसी के बाउट्स, खांसी होती है और एक साथ, जैसा मैंने पहले बताया कि भी एकदम से खांसी होती है, उसके बाद में बच्चा जो है उल्टी कर देता है। तो ये खांसी जो है बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है और ये बहुत ही संक्रमण वाली बीमारी है और एक दूसरे बच्चे में बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो गले को और सांस को इन्वॉल्व करता है। साधारण खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, उसमें इस तरह के जो है दौरे नहीं होते हैं। और साधारण खांसी जो है जुखाम खांसी की वजह से जो होती है बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है, बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है और ठीक हो जाती है। कूकर खांसी या ये जो वूपिंग कॉफ है, इसके अंदर खांसी के दौरे पड़ते हैं और दौरे के अंदर जो है बच्चा नीला पड़ जाता है। ब्रेन में जो है जब खांसी का दौरा पड़ता है तो यहाँ से थोड़ा सा ऑक्सीजन सर्कुलेशन ब्रेन को कम होता है और उससे जो है बच्चा बेहोश भी हो जाता है। तो कूकर खांसी जो है बाउट्स के अंदर आती है, थोड़ा थोड़ा दौरा अंतराल में बाउट्स पड़ते रहते हैं, खांसी के बाद में उल्टी बहुत जल्द कॉमनली हो जाती है। कई बार बच्चे जो है उल्टी को एस्पिरेट भी कर लेते हैं। तो चूंकि क्या कूकर खांसी में बाउट्स होते हैं, साधारण खांसी जो है एक दो बार चली और बंद हो गई, ये लंबे टाइम तक चलती है और इसका ड्यूरेशन भी बहुत लंबा होता है। ये मानिए कि ये ठीक होने के 4-6 हफ्ते बाद तक इस तरह की खांसी चलती है कूकर खांसी में। तो कूकर खांसी जो है वो एक बाउट्स की खांसी होती है, साधारण खांसी जो है जुकाम खांसी वाली जो है साधारणतः होती है और ठीक हो जाती है। काली खांसी एक श्वसन रोग है तो इसका बैक्टीरिया गले में रहता है और वहाँ पर प्रोलिफरेट या अपना संक्रमण बढ़ाता है। तो कारण जो फैलने के लिए जो है इसमें वही है कि भी जब हम खांसी करते हैं, सांस लेते हैं, आवाज़ बात करते हैं तो बैक्टीरियल पार्टिकल्स जो है वो हवा के अंदर तैरते हैं और जब भी ये बैक्टीरियल पार्टिकल सामने वाला ग्रहण करता है तो उससे जो है उनको इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में। तो काली खांसी का फैलने का मुख्य कारण हवा के अंदर बैक्टीरिया के तैरते कण रहते हैं जो दूसरा जब भी इनहेल करता है तो उससे उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। काली खांसी चूंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और तो इसका जो है हमको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स 5-7 दिन 10 दिन तक दी जाती है और उससे जो है वो इन्फेक्शन कम भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। तो बेसिकली इसका एक तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबैक्टीरियल दवा दी जाती है, दूसरा इसके अंदर प्रॉपर रिहाइड्रेशन, पानी वगैरह की मात्रा प्रॉपर रहे, बच्चे को हाइड्रेट अच्छे से रखना चाहिए,
दूसरा जो है और बहुत ज़्यादा खांसी की दवाई इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती नहीं है, जैसे कि साधारण खांसी में दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो हेल्पफुल होती हैं, लेकिन कुकर खांसी में खांसी की दवाइयाँ हेल्पफुल नहीं होती हैं। किसी तरह का गर्म पानी, गरारे, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, ये बिल्कुल कारगर नहीं है। बुखार के लिए जैसे हमने बताया कि पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन की दवा इस्तेमाल करनी चाहिए जो बुखार को कंट्रोल रखे। नाक वगैरह बंद है तो उसके लिए थोड़ा सा कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़ास तौर से इसमें बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल जो है मैक्रोलाइड्स ग्रुप की आती हैं, एजिथ्रोमाइसिन है या एरिथ्रोमाइसिन है, इस तरह की दवाई इसमें कारगर रहती हैं, तो उनका इस्तेमाल करके और इनको ठीक किया जा सकता है। काली खांसी से बचने के लिए जिस बच्चे को हुई है उससे दूसरे बच्चों को दूर रखें, जिस बच्चे के हुई है उसको मास्क लगा के रखना चाहिए और एंटीबायोटिक्स का यूज़ स्टार्ट करने से और जल्दी देने से एक दूसरे में फैलने की संक्रमण जो है वो कम हो जाता है और दूसरा बच्चा जल्दी रिकवर कर जाता है। तो एक तो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बच्चे को आइसोलेट रखें और दूसरा जो है हैंड हाइजीन, हाथ को जो है हाथों की रेगुलरली हाथ धोते रहें, जिससे जो है वो एक दूसरे से बच्चे में संक्रमण न फैले। क्योंकि दवाई का इस्तेमाल जल्दी करेंगे तो जल्दी ठीक होगा, संक्रमण भी कम होगा। दूसरा, वैक्सीन जो है टीकाकरण का इस्तेमाल करके हम जो है उसको बचाव कर सकते हैं और दूसरे बच्चों को भी उसमें संक्रमित होने से रोक सकते हैं। तो ये कुकर खांसी एक बहुत ही साधारण बीमारी है, क्योंकि आजकल देखने में कम आती है और इसका इलाज भी संभव है और बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है, इसमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।